also welcomes all of you in my YouTube channel. Today I am going to teach you my topic fixtures. Fixtures inter level के लिए बहुत ही important topic है और बहुत ही वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें और बहुत ही केयरफुल देखें क्योंकि फिक्स्चर से आपको मिलने वाले हैं 10 नंबर। फिक्स्चर से आप इंटर लेवल के जो बोर्ड पेपर होंगे उसमें आप 10 नंबर ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरलता से आप 10 नंबर वो भी फुल। थ्योरी में आपके नंबर काटे जा सकते हैं बट फिक्स्चर्स आपका मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए इसमें आप सारे स्टेप क्लियर हैं, सही हैं, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। सीखिए फिक्स्चर्स, आपको देखना है, पूरी देखना है। डोंट, जो भी इस चैनल में नए आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक करें। सब्सक्राइब क्यों करना, वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना है। फिक्स्चर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि फिक्स्चर्स क्या है। बहुत बड़ी टीम को बहुत ही सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक ढंग से कराना है। फिक्स्चर्स ये भी बताता है कि आपका मैच किस के साथ लगा हुआ है, ये फिक्स्चर्स बताता है। तो फिक्स्चर्स बनाने के लिए आपके दो टूर्नामेंट यूज होते हैं। फर्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड आपका फिक्स्चर्स बनता है लीग टूर्नामेंट से। फर्स्ट फिक्स्चर्स बनता है नॉकआउट टूर्नामेंट से, सेकंड फिक्स्चर्स बनता है लीग से। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्स्चर्स बनता है वो सिर्फ सर्किल मेथड एंड स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस एंड सर्किल मेथड से, दो मेथड से आपका फिक्स्चर्स बनता है लीग टूर्नामेंट का। फिक्स्चर्स को पढ़ने से पहले आप इन 6 पॉइंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, इन 6 पॉइंट से ही आपका पूरा फिक्स्चर्स क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, इस टीम में कितने प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान करना है कि इस टीम में कितने प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ 22, सच एज हमने एग्जाम्पल रखा कि इस टीम में 11 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 11 प्लेयर्स का बाई, टोटल बाई कितनी होंगी, एनबी। टोटल बाई को डिनोट करते हैं एनबी से, तो इस टीम में टोटल बाई कितनी होंगी वो आप सीखेंगे। अभी आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी आप समझेंगे इस पॉइंट में क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ, आपके दो हाफ होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट हाफ होता है अपर हाफ, सेकंड होता है लोअर हाफ, सेकंड लोअर हाफ, फर्स्ट आपका अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम होंगी एंड लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी, ये आपका थर्ड। फोर्थ में क्या कह रहा है कि बाई गिवन इन ईच हाफ, अपर हाफ में कितनी बाई होंगी और लोअर हाफ में कितनी बाई होंगी। जब टोटल 22 आपकी निकलेंगी, 11 में टोटल 22 निकलेंगी, तो वो लोअर हाफ में कितनी देनी है और अपर हाफ में कितनी देनी है विथ फार्मूला के साथ आप समझेंगे, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ राउंड, अगर आप 11 टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें कितने राउंड होंगे, कितने राउंड का मैच होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने राउंड में आपका मैच होगा, क्लियर। सिक्स पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ मैच, कितने मैच होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने मैच होंगे 11 प्लेयर्स, 11
11 मैच 11 पार्टिसिपेंट प्लेयर्स कर रहे हैं कि इस प्लेयर्स में कितने मैच होंगे, कितने राउंड होंगे, कितनी बाइस होंगी, कितनी अपर हाफ एंड कितने लोअर हाफ में प्लेयर्स ओपन करेंगे, ये सब आप जानेंगे। और उसके बाद आप लास्ट में फिक्चर्स कैसे बनता है, जो इस टाइप में फिक्चर्स बनता है, फिर इस टाइप में जो लास्ट टीम में विन होती है, ये सब आप अच्छे से समझेंगे। तो इन 6 पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। अब आपको